हिंदी हिंदुस्तान में हुई सेविका आज, हिंदी हिंदुस्तान में हुई सेविका आज, पटरानी बनकर यहाँ इंग्लिश करती राज, हिंदी हिंदी में है चेतना, हिंदी में है प्राण, हिंदी में है चेतना, हिंदी में है प्राण, हिंदी में है देश का स्वाभिमान सम्मान, हिंदी सूर कबीर है, हिंदी है रसखान, हिंदी सूर कबीर है, हिंदी है रसखान, आओ सब मिलकर करें हिंदी का उत्थान। सम्मान्य प्राचार्य महोदय, निष्पक्ष निर्णायकगण, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने हमारे दिए गए विषय राजभाषा के प्रति जागरूकता के ऊपर अपने विचार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। हिंदी विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। यह भाषा है प्राचीन, समृद्ध और सरल होने के साथ साथ यह हमारी राजभाषा भी है। यह भाषा हमें सम्मान भी दिलाती है। यह भाषा है हमारे सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की। इस भाषा ने हमें हमारे देश को विश्व में एक नई पहचान भी दिलाई है। मैं आपको बता दूं कि हिंदी विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली प्रमुख भाषा तीसरी भाषा है। धीरे धीरे हिंदी का प्रचलन बढ़ा और यह राष्ट्रभाषा बनने की ओर है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत पसंद की जाती है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि यह हमारी संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। यह हमारी संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। आज विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी हमारी भाषा और देश को जानने के लिए हमारे देश का रुख कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम अपनी भाषा यानी हिंदी तो आनी ही चाहिए, उसके साथ ही में उसे उसका सम्मान करना भी सीखना होगा। हिंदी हमारी भाषा है, राष्ट्रभाषा किसी भी देश की सम्मान और स्वाभिमान होती है। हिंदी हिंदुस्तान को बांधती है, हिंदी हिंदुस्तान को बांधती है, राष्ट्रभाषा हिंदी हिंदुस्तान को बांधती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, साक्षर से निराक्षर तक प्रत्येक घर के व्यक्ति को हिंदी अच्छे से बोलने व समझते हैं। यही इस भाषा की पहचान भी है। भले के समय में जब अंग्रेजी का ज्यादा प्रचलन नहीं हुआ करता था, तब यह भारतवासियों और भारत के बाहर रह रहे सभी वर्ग के लोगों के लिए सामान्य होती थी। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ा, वो भारत की जमीन पर अपने पांव गड़ा लिए हैं। अब हम पहले जहाँ स्कूलों में अंग्रेजी का ज्यादा माध्यम नहीं हुआ करता था, वही आज उनकी मांग बढ़ने के कारण बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे हिंदी में पिछड़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें हिंदी अच्छे से बोली व लिखनी तक नहीं आती है। हम भारत में रहकर हिंदी को सम्मान नहीं देना हमारी सबसे बड़ी भूल है। अंग्रेजी बाजार में हिंदी बोलने और जानने वालों को लोग अनपढ़ और गवार के नजरिए से देखते हैं, या फिर हिंदी बोलने वाले लोगों को लोग नीचे नजरिए से देखते हैं। यह कतई सही नहीं है। हम हमारे ही देश में रहकर अंग्रेजी के गुलाम बन चुके हैं और हम हमारी भाषा हिंदी को वो मान सम्मान नहीं दे पा रहे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के मन में होना चाहिए। हम या आप जब भी किसी बड़े होटल या बिजनेस क्लास के लोगों के बीच में खड़े होकर गर्व से अपनी हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो उनके मन में हमारी तस्वीर एक गवार की बनती है। वहीं अगर बच्चा अतिथियों के सामने अगर अंग्रेजी में कविता आदि सुना दे, तो माता पिता को गर्व महसूस होता है। क्या यही हमारा कर्तव्य है? किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा तभी दिया जाता है जब उसके अधिकतर नागरिक उस भाषा को अच्छे से बोल व समझ सकते हो। आजकल डिजिटल इंडिया का जमाना है और इसमें सफल होने के लिए हमें इस तकनीकी क्रांति को आम आदमी तक पहुंचाना होगा। आम आदमी टेलीफोन, एटीएम आदि का प्रयोग तभी कर सकता है जब उन्हें प्रयोग करने की जानकारी हिंदी में समझाई गई हो। इसीलिए आप देख सकते हैं कि आजकल हिंदी का विकल्प भी आने लगा है, क्योंकि हिंदी जन जन की भाषा है। एचआर मैनेजर के पद पे बैठे मैं उन लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि क्यों ये मान लिया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को भाषा विशेष ज्ञान नहीं होता तो क्यों ये मान लिया जाता है कि वो व्यक्ति प्रेजेंटेबल नहीं है और उसे अयोग्य करार पर दिया जाता है। काबिलियत का आधार विषय का ज्ञान होना होता है, न कि किसी भाषा विशेष ज्ञान होना। मेरा मेरे साथियों से यही अनुरोध है कि आप अपने विषय पर महारत हासिल कर लें, और अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं तो बिल्कुल भी संकोच न करेंगे। आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब मैं एक मूल मंत्र के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है कसूर। धन्यवाद। चलो मिलकर मुहिम चलाएं, आज से ही हिंदी अपनाएं। चलो मिलकर मुहिम चलाएं, आज से ही हिंदी अपनाएं। घर घर में करो पुकार, हिंदी ने किया हम पे उपकार। घर घर में करो पुकार, हिंदी ने किया।
किया हम पे उपकार। हिंदी मेरी मान है, हिंदी मेरी प्राण है, हिंदी मेरी मान है, हिंदी मेरी प्राण है। हिंदी है तो आज़ादी है, हिंदी के बिना सब बर्बादी है। हिंदी है तो आज़ादी है, हिंदी के बिना सब बर्बादी है। सुप्रभात, आज मैं आकांक्षा साहू प्रस्तुत हुई हूँ आप सबके सामने अपने दिए गए विषय राजभाषा के प्रति जागरूकता पे भाषण देने आई हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। हम सभी को यही लगता है कि हमारा देश उसी दिन स्वतंत्र हुआ, लेकिन ये हमारा भ्रम है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के सामने बिना किसी शर्त के पूर्ण आज़ादी की मांग की थी, लेकिन हमारे देश के कुछ भारतीयों ने अंग्रेजों की राष्ट्र विरोधी शर्तों को सरसर स्वीकार कर लिया, जिसमें एक भाषा नीति भी थी। अंग्रेजों को यह पहले से ही पता था कि हमारा देश आगे चलकर भाषा के बल पे खूब तरक्की कर सकता है, इसीलिए इसी को रोकने के लिए अंग्रेजों ने हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति के साथ राष्ट्र विरोधी शर्तों को शामिल कर दिया, ताकि हमारा देश आगे ना बढ़ पाए। प्रायः ये देखा जाता है कि सरकारी नौकरियों में नौकरी मिलने के बाद शिक्षकों को अंग्रेजी हिंदी सिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये कोशिश कुछ ही हद तक सफल हो पाई है, क्योंकि एक बार घड़े को पकाने के बाद उसे आकार देना व्यर्थ होता है। 14 सितंबर एक ऐसा दिन है जिस दिन भारतीय संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा के तौर पर अपनाया गया था। उस दिन हिंदी के महत्व के ऊपर जोर डाला जाता है ये बहुत ही दुखदीय बात है कि जब नौकरी साक्षात्कार में कोई भी इंसान अगर अंग्रेजी में बात करता है तो उसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, उसे सबसे ज्यादा श्रेष्ठ समझा जाता है, अंग्रेजी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये सही बात नहीं है। हिंदी हमारा स्वयं सिद्ध राजभाषा है। ये हमारे देश में 65% से भी अधिक लोगों के द्वारा बोला जाता है। इसी वजह से मेरी ये विनती है कि हमारी युवा पीढ़ी आगे आए, अपना हाथ फैलाए और अब हमारे राजभाषा के प्रति आवाज़ उठाए, तभी हिंदी का विकास होगा और तभी हिंदी आगे बढ़ेगा। अंतिम में मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिना राजभाषा के तो साहित्य भी वीरान रहेगा, हिंदी रहेगा तभी हिंदुस्तान रहेगा, धन्यवाद। भारत हमारी जान है, भारत हमारी मान है, जान मान और शान से भरपूर ऐसा हमारा हिंदुस्तान है। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सभी के समक्ष हमारे दिए गए विषय के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। बहुत समय पूर्व संस्कृत का प्रभाव था, उसके बाद हिंदी भाषा प्रचलन में थी। उस समय मुगलों का शासन चल रहा था, हालांकि उन्होंने अरबी को फारसी को सिर्फ कारण के दस्तावेज तक ही सीमित रखा, लेकिन इसका प्रभाव हिंदी भाषा पर पड़ा। उसके बाद अंग्रेज शासन पर आए, उन्होंने अंग्रेजी भाषा को न सिर्फ कारण तक सीमित रखा बल्कि उसे आम जीवन में भी उसका प्रभाव लाया। जी हाँ, आम जीवन में भी उसका प्रभाव लाया। उच्च शिक्षा प्राप्त आधुनिक पीढ़ी के मन में आज भारत के इतिहास के लिए कोई गौरव की भावना ही नहीं है, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में हमने वही परोसा है, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो अपने आप को कुंठित एवं दबे कुचले हुए महसूस करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जहाँ भी चले जाए, लेकिन वो हमारे राज्य भाषा के में ही भाषण देते हैं, चाहे सामने वाले समझे या ना समझे। आज हमारे नीतियों की वजह से ये सब हो रहा है। अगर सरकार ये नीति बना दे कि हर स्थान पर हिंदी भाषा को बोलने का महत्व दी जाए, तो लोग शायद हमारी भाषा को समझ सकेंगे और उसे बोलने में भी कोशिश करेंगे। जी हाँ, उसे बोलने में भी कोशिश करेंगे। साथ ही विदेश में जाने के लिए हमें अंग्रेजी भाषा की परीक्षा में उत्तीर्ण करना आवश्यक पड़ता है, वैसे ही विदेश के लोगों को भी हमारे देश में नौकरी करने के लिए हिंदी भाषा की उत्तीर्ण करना आवश्यक होना चाहिए। जी हाँ, आवश्यक होना चाहिए। साथ ही विद्यालय स्तर पर बच्चों को बचपन से हिंदी सिखाना चाहिए, ताकि वो उनके महत्व के बारे में जान सके और उसे अच्छे तरीके से बोल सके। आप सभी को ज्ञात है कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस में प्रत्येक विद्यालय में हिंदी भाषा के प्रचार एवं
जाते हैं। जी हाँ, पीछे हट जाते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि हमारा विज्ञान तो बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारी राजभाषा आगे नहीं बढ़ रही है। जी हाँ, हमारी राजभाषा आगे नहीं बढ़ रही है। आज के अधिकतर लोग निमंत्रण पत्र जब भी लिखते हैं तब उसमें अंग्रेजी में लिखते हैं, ना कि हिंदी में। यदि हम हिंदी में निमंत्रण पत्र लिखेंगे तो सामने वाला उसे पढ़कर हमारी राजभाषा की ओर गर्वित होगा और खुश होगा और उसे बोलने के लिए भी वो कोशिश करेगा। अगर हम ऐसे ना करेंगे तो शायद हमारी राजभाषा हम खो बैठेंगे। हिंदी के साहित्य के कई साहित्यकार हैं, जैसे कि महादेवी वर्मा, प्रेमचंद और अन्य साहित्यकार हैं, जिनकी रचनाएं आज विदेश में नाम कमा रही है, लेकिन शायद हम तो इन्हें भूलते ही जा रहे हैं धीरे धीरे। अगर सही समय रहते हमने सही कदम ना उठाया तो शायद हमारी भाषा के साथ साथ हमारा राष्ट्र भी कमजोर होता जाएगा। जी हाँ, हमारा राष्ट्र भी कमजोर होता जाएगा और एक दिन शायद वो अपनी पहचान भी खो बैठेगा। अंत में मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि भारत से लेके महाभारत तक, जमीन से लेके आसमान तक हर जगह हिंदी हो, इंसानियत की बंदगी हो। जैसे गुल से गुलिस्तान है, वैसे हिंदी से हिंदुस्तान नहीं, हिंदी से सारा जहान हो, हिंदी से सारा जहान हो। जय हिंद, जय भारत। हिंदी है प्रेम की भाषा, बस यही है इसकी परिभाषा। वैसे हिंदी को 14 सितंबर 1949 में जब राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, उसके बाद में लगभग 70 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जो स्थान हिंदी का होना चाहिए वो अभी तक वो प्राप्त नहीं कर पाई है। ना ही तो हिंदी राजभाषा बन पाई है, ना ही हिंदी राष्ट्रभाषा बन पाई है। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है कि जो वहाँ जिस देश में लोग रहते हैं उन सभी के द्वारा उस भाषा का बोलने में प्रयोग किया जाता है, लेकिन भारत में सभी जगह हिंदी बोलने का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ में राजभाषा का मतलब होता है कि जो राजकार्य भी होता है वह भी हिंदी में होना चाहिए, लेकिन 70 वर्ष हम बिता चुके हैं लेकिन अभी तक उस मुकाम तक हिंदी को नहीं पहुँचा पाए हैं। हम क्या करते हैं, जब हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है तब हम इसमें जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भाग लेते हैं, बढ़ चढ़कर हिंदी के बारे में बोलते हैं, लेकिन जैसे ही 14 सितंबर जाता है वैसे ही हम भूल जाते हैं, हमें आगे कुछ भी याद नहीं रहता। हम जो वादे करते हैं कि हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ करेंगे, लेकिन वो हम नहीं करते हैं। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि हर संभव प्रयास जो आप कर सको वो हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए आपको करनी चाहिए। इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद देते हुए इसी हिंदी पखवाड़ा समारोह का आज समापन करता हूँ।